तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। नया टॉपिक क्या है? नया टॉपिक ये है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर आता है उसका पैटर्न सिलेबस क्या रहता है, किस तरीके का पेपर आता है, कितने नंबर का पेपर आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसमें और प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं और टोटल पेपर करने के लिए कितना समय मिलता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसको प्रेस कर लें जिससे जो मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर मैं यहाँ जो बता रहा हूँ ना उसमें आप कोई भी डाउट फिर भी रह जाए तो कमेंट करके जरूर बता, मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ड्यूटी पर या घर हूँ मैं तब तो मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर रहे हैं हम यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस की जो भर्ती का जो चरण होता है एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। इसके 5-6 चरण होते हैं। जैसे भर्ती के जो चरण होते हैं, सबसे पहले आपको पता है फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपकी लिखित परीक्षा होती है। जैसे ही आपका रिटर्न पेपर हो जाता है उसके बाद कट ऑफ लगती है, फिर दौड़ होती है। दौड़ के बाद नाप तौल मेडिकल और फिर आपकी हो जाती है ज्वाइनिंग। तो ये 5-6 चरण होते हैं भर्ती के, इन सभी से आपको गुजरना होता है। मैं सबसे पहले आपको रिटर्न पेपर की जो होता है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, कितने नंबर का पेपर आता है, कैसे कैसे, आप अच्छे से एक बार समझिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इसमें होता है यूपी पुलिस में एक पेपर होता है इसमें, और अंग्रेजी व हिंदी दोनों में होता है। अगर कोई बच्चा अंग्रेजी में देना चाहे तो अंग्रेजी में भी होता है और हिंदी में भी होता है, लेकिन जो हिंदी का पार्ट होता है वो सिर्फ हिंदी में ही रहेगा। बाकी के जो मैथ है, रीजनिंग है और जीके है वो इंग्लिश में आपको करने के लिए मिल जाएगी अगर कोई इंग्लिश का बच्चा है तो। अब बात आती है कुल प्रश्न कितने होते हैं। तो दोस्तों इसमें कुल प्रश्न यूपी पुलिस का जो पेपर आता है कॉन्स्टेबल का, इसमें कुल प्रश्न 150 होते हैं। कुल प्रश्न 150 होते हैं, प्रत्येक 2 नंबर का होता है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, कुल प्रश्न 150 होते हैं। तो टोटल कितने अंक हो गए? 300। तो टोटल 300 अंक का ये पेपर होता है यूपी पुलिस का। अब बात आती है इसमें समय सीमा कितनी होती है। तो दोस्तों इसमें जो समय सीमा होती है वो होती है 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। इसमें समय सीमा 120 मिनट होती है यानी कि 2 घंटे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट कौन कौन सी इसमें किस किस तरीके से आती है, कितनी सब्जेक्ट है इसमें। ये यहाँ मैंने इधर विषय लिख दिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं इधर मैंने प्रश्नों की संख्या लिख दी है। तो सबसे पहले जो आपका है वो है सामान्य ज्ञान, यानी कि आप अपनी भाषा में जीके जीएस जो भी कहते हो, सामान्य ज्ञान आता है 38 प्रश्न का। ये आपका संख्यात्मक व मानसिक क्षमता, ये होता है आपका मैथ, ये इसमें आते हैं आपके 38 क्वेश्चन और इसमें भी 38 क्वेश्चन, अभी मैं आपको डिटेल में अच्छे से बताऊंगा बाद में। और जो मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये होती है क्या, ये होती है आपकी रीजनिंग। इसके कितने प्रश्न आते हैं? इसके आते हैं 37। और अगली सब्जेक्ट जो आ जाती है आपकी चौथी और आखिरी, वो है सामान्य हिंदी, इसके भी आपके 37 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो टोटल कुल मिला के ये 150 प्रश्न होते हैं प्रत्येक 2 नंबर का जो मैंने अभी बताया था, और टोटल हो जाते हैं आपके 300 अंक। अब मैं देखो आपको बताऊं, सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न ही आते हैं और मैथ के 38। अब इसमें से जो 19 मैंने लिखा है ना, ये 19 मान के चलिए आप मैथ का, 19 प्रश्न ही मैथ के आते हैं, बाकी 19 को छोड़ के जितने प्रश्न इसमें बचे थे वो सभी ये समझ लीजिए बिल्कुल मतलब रीजनिंग बेस होते हैं, ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल रीजनिंग की तरह ही वो होते हैं। अब आती है आपकी रीजनिंग, रीजनिंग में मैंने 37 बताया क्वेश्चन, लेकिन 19 इसमें प्रश्न मैथ के आते हैं, बाकी बचे रीजनिंग जैसे ही होते हैं, तो उसको आप रीजनिंग में ऐड कर सकते हैं कि रीजनिंग की तरह ही होते हैं वो। तो 19 इसमें से बचे, 19 और 37, तो ऐसे करके ये रीजनिंग के आप 56 प्रश्न मान सकते हैं कि रीजनिंग के 56 प्रश्न आते हैं, 37 और 19 56, और यहाँ सिर्फ 19 क्वेश्चन ही मैथ के तरीके के आते हैं, बाकी वो रीजनिंग बेस ही होते हैं। तो अब आती है सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी 37 क्वेश्चन की आती है, टोटल क्वेश्चन 150 हो जाते हैं और कुल पेपर 300 का होता है। अब बात आती है क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हाँ जी, इसमें बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो है 1/4 की, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की, यानी कि आपका एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.5 अंक काट लिया जाता है। जैसे कि आप समझिए, आपने 10 क्वेश्चन किए, ठीक है, 10 क्वेश्चन किए, 10 में से आपने मानो 8 सही कर दिए, 8 आपने सही कर दिए। अगर आपने 8 सही कर दिए तो प्रत्येक प्रश्न मैंने बताया कि 2 नंबर का है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, 8 आपने सही किए तो आपने कितने नंबर कर दिए इनमें? 16 नंबर।
आठ आपने सही किया और दो कर दिए गलत, दो कर दिए गलत। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एक प्रश्न गलत करने पे आपका 0.5 नंबर काट लिया जाता है। तो इसमें अगर गुणा करेंगे 0.5 का तो आपका एक नंबर निकलता है, एक नंबर निकलता है, तो इसलिए आपका एक नंबर इनमें से काट लिया जाएगा। तो आपको 16 में से एक काट लिया जाएगा तो आपके 15 नंबर आएंगे। इस तरीके से नेट मान के, यानी कि सीधी सीधी भाषा 1/4 की, 0.5 अंक काट लिया जाता है एक प्रश्न गलत होने पर। तो दोस्तों मुझे बस पेपर पैटर्न के बारे में, पेपर सिलेबस के बारे में बस यही जानकारी देनी थी कि पेपर किस तरीके का आता है, कितने नंबर का आता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितनी समय सीमा होती है। समय सीमा मैंने आपको बता दी है 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। दोस्तों यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के सिलेबस में यही सारी सब्जेक्ट होती है जो मैंने बताई हैं। अगर कोई भी डाउट अब भी आपका रह गया हो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर मुझे जैसे भी टाइम मिलता है कमेंट की मैं इसलिए कहता हूँ, हो सकता है मैं कुछ यहाँ से भूल गया बताना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। कभी कभी ऐसा है ड्यूटी पर भी खोल के देख लेता हूँ, जब ड्यूटी पर खोल के देख लेता हूँ तो मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं ड्यूटी पर भी रिप्लाई दे देता हूँ, घर भी दे देता हूँ। तो ऐसे करके कोई भी अगर डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी करके पूछ सकते हैं मुझसे। तो बस मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।